हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिवजी गुड वाइब्स। और आज हमारा है डे फोर। हाँ, आज हमारा है डे फोर और अब हम लोग जा रहे हैं मथुरा के मंदिर में, जन्मभूमि में। हाँ, जन्मभूमि में, वो काफी सुंदर है बट अफसोस हम लोग आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वहाँ पे कैमरा ले जाना मना है। और बट देखिए, यहाँ पे दीजिए, देखिए ये झूठ है, झूठ है, यहाँ पे कोई कैमरा नहीं है, ये साफ साफ झूठ है। चले कृष्ण जी की जन्मभूमि में मोबाइल नहीं लाइट ले जा सकते और वहाँ पे आपको दिखा नहीं सकते, बाहर छोटे छोटे मिलेंगे या फिर बाहर चलेगा। अरे वो तो वैसे भी नहीं बोलता। और ये है कृष्ण जन्मभूमि और ये है यहाँ का मेन गेट। तो अभी हम लोग कहाँ से आए यार, कहाँ से आए? हाँ, अभी हम लोग मथुरा से आ गए हैं और अभी हम लोग मथुरा से आ गए हैं गोकुल। और गोकुल में कृष्ण जी रहे, पहले रहे थे वृंदावन में, जब नहीं रहते थे उसके पहले रहे थे, जब गोकुल ख़त्म हो गया था उसके बाद वो वृंदावन गए थे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं गोकुल, उनके पिताजी दो साल और कुछ दिन यहाँ पे ऐसा बताया गया। तो अभी चलिए चलते हम लोग। बच्चे वो मारी थी है ना? हाँ, उसने मारा था आपको। क्या था वो, गई थी क्या? और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ का जो मेन मंदिर है, जहाँ पे कृष्ण जी और यशोदा माँ और नंद बाबा रहते थे, उनका जो घर है। और ये जो है, ये हैं गोकुल की गलियाँ और ये बहुत साल पुरानी है। और ये हम लोग पहुँच गए नंद यशोदा भवन और ये यहाँ का मेन मंदिर है। और यहाँ पे गोकुल में और भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, तो अभी हम लोग वहाँ भी चलेंगे। तो चलिए पहले यहाँ पर अंदर चलते हैं। मारने वाले भगवान झूठा में झूठे, जाने के दो मृत्यु
और ये जो यहाँ पे मूर्ति नज़र आ रही है ये है बलराम जी की मूर्ति, और यहाँ पे कृष्ण जी और दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं कुछ खाने, और ये यहाँ का खाना डैडी को बहुत पसंद है। वो देखो मम्मी तो खाने भी लगी। मम्मी क्या है ये? क्या है? मलाई पराठा। मलाई पराठा। दाल बाटी। और ये क्या है? दाल बाटी। दाल बाटी। ये है दाल बाटी। मम्मी खा रही है मलाई पराठा, बच्चा खा रहा है दाल बाटी। बताना कैसा है? पता नहीं इस शॉप का नाम क्या है। ये भी मलाई पराठा है यहाँ। ठीक है। तो नाम है यमुना जी फास्ट फूड कॉर्नर। ठीक है। सब्जी। अभी हम लोग आ चुके हैं नंद महल जो कोकल में है। यहाँ वो बचपन में खेलते थे जैसा आपने दीदी के हैंड टेक्सचर से देखा। क्या हुआ? उतना मौसी देखी, उतना के दर्शन करके आओ फिर अंदर करो। और अब हम लोग फिर निकल लिए हैं वहाँ से दर्शन करने के बाद और चीज़ें देखने की, क्या क्या और है गोकुल में। और यहाँ पे सब आगे आगे चले जा रहे थे और ये देखिए मैं पीछे ही छूट गई। जिंदगी सवार वो देखो, मैं आपको दिखाऊं बंदर वहाँ पे टंकी खोल के पानी पी रहा है। पाँच हजार। अब हमें तो ऐसा होता है यार, क्या बात अभी कली बनाओ। फोटो नहीं वीडियो बहुत अच्छी आई है। इधर से जाओ, इधर से। और ये हम लोग पहुंच गए यमुना घाट, और ये जो सामने नदी दिख रही है यमुना नदी है जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। और मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बारिश जैसा बहुत अच्छा था, एकदम क्लाउडी क्लाउडी वेदर। ये तो स्पेशल है। और ये जो है ये भी यहाँ का गोकुल का सबसे मतलब दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ के जो सामने है बिल्कुल यमुना नदी के दर्शन होते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी झांकियाँ भी बनी हुई हैं अलग अलग तरह की। वाओ बच्चा कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना। सब हाँ कैसे कर, बहुत ज़्यादा सुंदर है, कितने आराम आराम से यमुना नदी है। थोड़ा दूर से फोटो खींचो। घूमने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं फिर से लखनऊ।
कोल्ड ड्रिंक पीना है, कोल्ड ड्रिंक। अब हम लोग थक गए, थक चुके थे घूमते घूमते, इसलिए हम लोगों ने लिया कोल्ड ड्रिंक। और उसको कौन सी कोल्ड ड्रिंक है ये तो बता दो। साफ साफ दिख रही है ड्यू है, ड्यू। क्यों ऐसे ग्रीन ग्रीन और कोल्ड ड्रिंक नहीं होती है? नहीं होती हो तो बताओ। हाँ हमें तो बताओ। स्प्राइट, स्प्राइट वाइट होती है, वाइट क्या वो एकदम वाटर होती है, नॉन कलर। क्या इधर इधर देख के बोल, उसका कोई कलर नहीं होता इस तरह। ड्यू का कोई कलर नहीं, वो सॉरी स्प्राइट का कोई कलर नहीं होता। और गोकुल में हो गई, होने लगी थी बारिश, उसकी वजह से हम लोग पूरे भीग गए। है ना, गोकुल में होने लगी थी बारिश जिसकी वजह से हम लोग पूरे भीग भी गए। मौसम ठंडा हो गया, तो मज़ा आ रही है गोकुल में, बहुत अच्छा होने की वजह से। चलिए अब चलते हैं बैक टू लखनऊ, और जो हमारा हॉलीडे है वो हो गया फिनिश। भाई अभी पूरा जून पड़ा है, अभी वाला हॉलीडे तो फिनिश हो गया ना। आगरा एक्सप्रेस वे सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे इंडिया का, तो अभी बीच में दीदी को भूख लग गई, मतलब सबको ही लग गई, और थोड़ा रेस्ट और थोड़ा वॉक शॉक के लिए हम लोग यहाँ पे बीच में रुके हैं फूड किंग पे, जो यहीं पे है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर से अपनी जर्नी चालू रखेंगे। चलिए चलते हैं। चलने के बाद ये फर्स्ट ब्रेक है, तो हम लोग कितने घंटे चले? बोल गए हम लोग 3 घंटा। 3 ना? हाँ 3 घंटे चले के बाद। अब ब्रेक अभी 1.5 घंटा और। सुबह से कुछ खाया नहीं था तो भूख भी लग रही थी। मैंने तो खाया था, इनने नहीं खाया था। मैकडॉनल्ड्स भी है कहाँ? मैकडी का मॉक है, मैकडी मोरनी मैकडॉनल्ड्स है कुछ। और फूड कोर्ट में कुछ खाने के बाद अब हम लोग फिर से चल दिए हैं लखनऊ के लिए, और ये जर्नी होती है यहीं पे फिनिश। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।